जरा बैठ जी, जरा नहीं नहीं बाद में बैठेंगे प्लीज दे, आपसे बात करेंगे प्रेजेंट साहब, प्राइम साहब बैठे आप बात करेंगे। जब उसने एंड किया तो मेरा ये था कि मैं खड़ा होकर ये कहूंगा कि इज्जत माफ जनाबे वजीर आजम वर्दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उस कमबख्श ने, चोर ने, अक्ल से पैदल आदमी ने मौका ही नहीं दिया, उसने मुझे टोकना शुरू कर दिया। इंता ये थी कि उसके गाडू का रवैया, अब उन्होंने मुझ पर अटैक किया। मतलब एक वजीर आजम को ने अपनी इज्जत मैंने वहाँ पर बचाई। आप मुझे ये बताएं कि अगर हमारी टेरिटरी के अंदर ये चीज़ें करेगा वो, तो ये पाकिस्तान के लिए क्या कर रहा है? जो पाकिस्तान को कमज़ोर करेगा उसको वो, मैं बिल्कुल मेरे लिए काबिले बर्दाश्त नहीं। कुछ रवायात और कुछ चीज़ों का उसको पता ही नहीं है, और उसको मेरे बारे में खुशी तौर पर नहीं पता। जिस सरजमीन में मैं ये कहता हूँ कि ये तू क्या चीज़ है भाई, आज़ाद कश्मीर में आके इंसल्ट करेगा, लेकिन मैंने आज़ाद कश्मीर के रहने वालों के लिए, रियासत के रहने वालों के लिए उसका ये आतंक अमेज़ रवैया, इंतई बदतमीज़न मैंने इसलिए कि मैं पाकिस्तान को अपना ईमान समझता हूँ। ये मैं कहता हूँ कि हमारा ईमान है अपने मुल्क के ऊपर, पाकिस्तान मशीत इलाही है, लेकिन ऐसे कोता अंदेश, अक्ल से पैदल, शऊर नाम की चीज़ उनके कोसों दूर होगी। उनको समझ नहीं कि शऊर क्या होता, इल्म क्या होता, फरासत किसको कहते हैं, सियासियात और जमहूरियत किसका नाम। चूँकि जो मुल्क को लूट रहे, आप आज उसकी तकरीर कह के क्लिप देखिए कि वो बाहर वालों को मैसेज दे रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, तू खुद क्या कर रहा है भाई, तू किसको पैसे दे रहा है? अभी पिछली एक क्लाइमेट चेंज की मीटिंग हुई, उसमें $84 मिलियन इनको मिल रहा है, आज़ाद कश्मीर को एक दलानी दे रहा। ये यहाँ से लूट के करंसी डीवैल्यू के नाम पे पहले डॉलर खरीदते हैं, फिर करंसी डीवैल्यू करते हैं। खैर जो करें मैं ये कहता हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान की कमज़ोर करने की, आज़ाद कश्मीर उसकी दफाई थी पहले से ही, उसके अंदर जो एक मतलब है, जो हम फिरते रहे, जो मुख्तलिफ जगह देखी, कोई कल इफ्तिताह भी था, लेकिन उसका जो रवैया था ना, जैसे वो यहाँ पे चौधरी और जागीरदार। मैंने कहा सिर्फ 3 मिनट चाहिए मुझे, 3 मिनट नहीं दे रहा वो हमें, क्या भाई हम उससे भीख मांग रहे थे। इसका बड़ा भाई ठीक है, उसके पास यह है कि वोट उसकी, इसको किसने वोट दिया, इसके पास काला कुत्ता नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये अजाब इलाही है। मैंने यहाँ तक, मैंने कहा हम कौन है, क्यों बैठे हुए तबलब जाने वाले, तो दो आप ये देखें कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर में कोई अपॉइंट होकर आया था इसकी तरफ। मुझे ये बताएं कि लाहौर की सीटों किस जैसा लियाकत बलोच था, हाफिज सलमान भट के वगैरह जलसा हो सकता था लाहौर में। बात यह है कि आज आप आज़ाद कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट को नहीं मानेंगे, आज़ाद कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट को आप कुछ देना नहीं चाहते, ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है। और ये पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान के, मैं ये समझता हूँ कि सलामती के लिए नुकसानदेह, और ऐसे लोगों का मासवा भी होना चाहिए और एड्रेस होना चाहिए। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हर माज पर इसके साथ लड़ेंगे, बिल्कुल ये इसको फ्रीडम नहीं देंगे। ये जो चीज़ें मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के अंदर लूट फूट, अब वो दौर चला गया। अगर इसको एक्ल होती है, हमें बुला के मीटिंग में पूछते जी कि मसला टैक्स ले रही थी कश्मीर कौन सी, आपकी 6000 टैक्स फाइलर नहीं था, मैं पहले था कि 7 थे, लेकिन वो अभी हमने चेक किया वो 6000 से नीचे थे, अभी हम 37000 पे पहुंच गए। तो पढ़ा लिखा आदमी गलतों में जाती, इसको नहीं समझ आती तो उसका मेरा कसूर है।